गांव से कुछ ही दूरी पर जीवा का घर था। उसके घर में उसकी पत्नी किरण और बेटा राजू रहा करते थे। तीनों के तीनों दुबले पतले और कुपोषित थे। जीवा जंगल से लकड़ियां और जड़ी बूटियां इकट्ठी करके उन्हें गांव में बेचा करता था। चूल्हे के लिए लकड़ियां ले लो, लकड़ियां ले लो। कितना दाम है इस पेड़ के तने का? मालिक सिर्फ 5 सिक्के। 5 सिक्के तो ऐसे बोल रहा है जैसे मुफ्त में दे रहा है। मुझे नहीं चाहिए तेरी लकड़ी, तू ही रख। नहीं नहीं मालिक, आप जो देंगे वो मंजूर। ठीक है, फिर ये ले 3 सिक्के। जीवा वो 3 सिक्के ले लेता है और फिर वो गांव के किराने की दुकान पे जाता है। भाई ये चावल कैसा है? 1 किलो के 2 सिक्के। और ये दाल? ये 4 सिक्के प्रति किलो। भाई मुझे 1 किलो चावल और 1 पाव दाल दे दो। ये लो तुम्हारे हुए 3 सिक्के। जीवा अपने दिन भर की कमाई से सिर्फ थोड़ा सा राशन ही खरीद पाता था। वो राशन लेकर घर गया और फिर उसकी पत्नी ने दाल और चावल से खिचड़ी बनाई और यही उनकी रोज की जिंदगी थी। मौसम बदला और अब बरसात शुरू हुई। जीवा फिर भी जंगल गया और वहाँ उसने लकड़ियाँ काटी और एक बार फिर वो बाजार में लकड़ियाँ बेचने लगा। लकड़ियाँ ले लो, चूल्हे के लिए लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ। सुबह से शाम तक वो चिल्लाता रहा, लेकिन आज बारिश की वजह से एक भी ग्राहक लकड़ियाँ खरीदने नहीं आया। निराश जीवा वो लकड़ियाँ अपने कंधे पे लाद कर अपने घर की ओर निकल पड़ा। आज मैं अपने परिवार के लिए खाने का इंतजाम तक नहीं कर पाया। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी दी है मुझे। निराश जीवा अपने घर पहुंचा और वो अपनी पत्नी और बेटे के सामने रोने लगा। अगले दिन जीवा वापस अपनी लकड़ी बाजार में बेचने गया, लेकिन इस बार भी कोई खरीदार नहीं था। शाम को एक सेठानी आई और उसने जीवा से लकड़ियां खरीद ली और जीवा को 5 सिक्के दे दिए। सिक्के देख जीवा बहुत खुश हुआ। वो पैसे लेकर किराने की दुकान में गया और वहाँ उसने 1 किलो चावल और 1/2 किलो दाल खरीदी और अपने बेटे राजू के लिए एक सेब भी खरीदा। सारा सामान लेकर जीवा लौट ही रहा था कि जंगल में उसे एक बंगला दिखा और इस बंगले से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। जीवा को चिंता सताने लगी। वो उस बंगले में गया और वहाँ उसने देखा कि एक 4-5 साल का बच्चा रो रहा था। क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। जीवा को उस बच्चे पर दया आ गई और उसने वो सेब उस बच्चे को दिया। बच्चे ने हड़बड़ी में वो सेब खाया। क्या आपके पास और कुछ है? है तो, लेकिन इसे पकाना पड़ेगा। जीवा उस बंगले की रसोई में गया और उसने दाल और चावल से खिचड़ी बनाई। फिर जीवा ने वो खिचड़ी उस नन्हे बच्चे को दी, जिसने बड़े चाव से खिचड़ी खाई। अब मेरा पेट भर गया है। और तभी
एक औरत की आत्मा प्रकट हुई। शुक्रिया भैया, आपने मेरे बेटे की भूख मिटाई। मैं इसकी माँ हूँ, इसका मेरे अलावा और कोई नहीं है। 3 दिन पहले मेरी मृत्यु हो गई, तब से ये ऐसा ही भूखा था और मैं इसकी मदद नहीं कर पा रही थी। मतलब अब ये बच्चा अकेला है? हाँ, इसका कोई नहीं है। बहन तुम फिक्र मत करो, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और जो मैं खाऊंगा वही इसे भी खिलाऊंगा। भैया तुम बहुत नेक हो और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारा परिवार इसी बंगले में रहे और तुम्हें कभी खाने की कमी नहीं होगी, ये मैं देख लूंगी। तुम अभी अपने परिवार को यहाँ ले आओ। जीवा खुशी खुशी घर गया और अपने परिवार को लेकर बंगले में लौटा। वो लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि रसोई का भंडार खाने पीने के सामान से भरा हुआ है। फिर जीवा की पत्नी ने पकवान बनाए और फिर जीवा का परिवार और वो अनाथ बच्चा सब ने साथ में खाना खाया। ये देख उस माँ की आत्मा बहुत खुश थी, क्योंकि उसके अनाथ बेटे को एक परिवार मिल चुका था। इसके बाद जीवा और उसका परिवार उस जादुई बंगले में ही रहे, जहाँ खाने की चीजों की कोई कमी नहीं थी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों की मदद करने से हमारी मदद भी होती है। राकेश हर साल गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के घर घूमने आता था। राकेश के नानी नाना एक दिन बातें कर रहे थे। आज हमारे गांव का एक आदमी और गायब हो गया। सुना जाता है वो नदी के उस पार सोनापुर गांव के जंगल में सोने के बंगले की खोज में गया था। अरे वहां कोई सोने का बंगला नहीं है, उस बंगले में भूत रहते हैं। जब कोई नदी पार करके जंगल में जाता है तो उसे पकड़ लेते हैं। नानी, क्या नदी के पार जंगल में वास्तव में कोई बंगला है? पता नहीं बेटा, हमने भी गांव वालों की तरह बस सुना है, लेकिन तुम वहां कभी मत जाना। लेकिन नानी, नदी में तो नाव चलती है, सोनापुर और हमारे गांव के लोग एक दूसरे के गांव में आते जाते रहते हैं। क्या सोनापुर के लोगों ने भी बंगला नहीं देखा? अरे बेटा, बहुत पहले एक ऋषि ने बताया था कि वो बंगला मायावी है, किसी को दिखाई देता है और किसी को नहीं। छुट्टियां खत्म होने के बाद राकेश शहर में अपने घर आ जाता है। एक दिन पूरे शहर में भूकंप आता है। राकेश एक छोटी सी टेबल को अपने सर पर रख कर किसी तरह घर से बाहर निकल आता है, लेकिन और कोई उसके घर से बाहर नहीं निकल पाता। घर गिर जाता है और सारे लोग मर जाते हैं। राकेश के नाना नानी राकेश को अपने यहाँ गांव में ले आते हैं। नाना नानी बहुत गरीब होते हैं, इसलिए राकेश की पढ़ाई नहीं हो पाती। जब राकेश बड़ा हो जाता है तो उसके नाना नानी कहते हैं, बेटा राकेश, अब तुम शादी कर लो, यही हमारी अंतिम इच्छा है। राकेश की शादी हो जाती है और उसके नाना नानी का स्वर्गवास हो जाता है। राकेश की पत्नी 2 बच्चों को जन्म देती है, एक लड़का और एक लड़की। राकेश अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अपने गांव और सोनापुर गांव के बीच नाव चलाने का काम करने लगता है। वो रोजाना सवारियों को इस पार से उस पार ले जाता और फिर उधर से भी सवारियों को भर कर लाता। तभी वो देखता है कि नदी में एक हिरण डूब रहा है। राकेश तुरंत नदी में छलांग लगा देता है और डूबते हुए हिरण को बाहर निकाल कर किनारे पर ले आता है। हिरण जंगल की तरफ भाग जाता है। राकेश को जंगल में कोई चमकती हुई चीज दिखाई देती है। जब वो आगे जाकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है और एक बहुत बड़ा सोने का बंगला उसकी आंखों के सामने होता है। ये वही मायावी सोने का बंगला है जिसकी कहानियां मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ।
लेकिन आज कैसे ये मुझे दिखाई दे रहा है? मैं तो यहाँ रोजाना आता हूँ। राकेश बंगले के अंदर जाता है। बंगले में से एक आवाज आती है, तुम्हारा स्वागत है राकेश। मैं सोने का बंगला हूँ। अगर तुम इस बंगले में अपने घर की 10 साल पुरानी कोई भी चीज लाकर छुओगे तो वो सोने की हो जाएगी। मैं तो तुम्हें बचपन से ही ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तुम आज ही क्यों दिखाई दिए? मैं उसी व्यक्ति को दिखाई देता हूँ जो किसी की मदद करते हैं। आज तुमने डूबते हुए हिरण को बचाया, इसलिए मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ। राकेश तुरंत अपने घर जाता है और अपने घर पर लगे अनार के पेड़ से कुछ अनार तोड़कर बंगले में ले आता है। अनार तुरंत सोने के हो जाते हैं। फिर राकेश अपने घर से चारपाई उठाकर बंगले में ले जाता है। चारपाई भी सोने की हो जाती है। अब राकेश जब भी सवारियों को लेकर नदी के उस पार जाता तो अपने घर से कोई ना कोई सामान साथ में ले जाता और उसे सोने में बदलकर वापस घर ले आता। राकेश सोने को लेकर सुनार के पास जाता। सुनार काका, बताइए सोने के रिमोट कितने पैसे के देंगे? पूरे 50,000। इस तरह राकेश ने अच्छे खासे पैसे अपने घर में जमा कर लिए। एक दिन राकेश के मन में लालच आ गया। उसने सोने के बंगले वाली बात अपनी पत्नी को बताई और उससे कहा, देख हमारे घर पर तो 10 साल पुरानी जितनी भी चीजें थीं, मैं उन सब को सोने में बदल चुका हूँ। अब तू पड़ोसी रेखा के घर पर चली जा, उसके घर में बहुत पुराना एक बड़ा सा बक्सा रखा हुआ है। तू किसी तरह रेखा को उसके घर से बाहर ले जाना और फिर मैं उसके घर जाकर बक्सा चुरा लूंगा। अगर वो बक्सा भी मैंने सोने में बदल लिया तो हम मालामाल हो जाएंगे और गांव में सबसे बड़ा घर बनाएंगे। राकेश की पत्नी अपनी पड़ोसी रेखा के घर जाती है। अरे रेखा, तुम्हें पता है क्या, बाजार में एक साड़ियों की नई दुकान खुली है। सभी लोग वहाँ से साड़ियाँ लेकर आ रही हैं। आज मैं भी जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। रेखा राकेश की पत्नी के साथ बाजार चली जाती है। राकेश चुपके से रेखा के घर में घुसता है और बक्सा चुरा कर अपने घर रख लेता है। अगले दिन राकेश और उसकी पत्नी बक्सा उठाकर नदी के उस पार महल में ले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों बक्से को लेकर बंगले में घुसते हैं, बक्सा तो सोने का नहीं बनता लेकिन राकेश की पत्नी सोने की बन जाती है और बंगला एकदम से गायब हो जाता है। राकेश रोने लगता है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरी पत्नी अब कैसे जिंदा होगी? मैं क्या करूं? तभी एक सांप वहां आता है और राकेश से कहता है, मैं 1,000 साल से जिंदा हूं। तुमने लालच किया और अपने पड़ोसी का बक्सा चुरा लिया, इसलिए बंगला गायब हो गया और दंड के रूप में उसने तुम्हारी पत्नी को सोने का बना दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। मैं वादा करता हूँ अब जिंदगी में कभी लालच नहीं करूँगा और ये बक्सा भी अपनी पड़ोसी को लौटा दूंगा। फिर सांप राकेश की सोने की पत्नी को असली पत्नी बना देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में लालच नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, एक परिवार था जो शहर के बहुत ही शोर शराबे वाली जगह पर रहता था। ये परिवार था एक जैकी नाम के इंसान का, जो अपनी बीवी शीला और अपने बेटे केविन और बेटी एना के साथ रहता था। वो खुश थे, पर बस उन्हें एक ही परेशानी थी। तुम कहां से आ रहे हो केविन और अन्ना? डैडी, मिसेज रमानी ने मुझे उनके डॉगी को सैर पर ले जाने के लिए बुलाया था। तो उनका काम किया तुमने? हाँ कर दिया, पर वो मुझसे बहुत सारा काम करवाती हैं। और तुम अन्ना? मैं मिस्टर दुबे के घर पर थी डैडी। मैं उन्हें कहानियाँ पढ़कर सुना रही थी। कितना बोरिंग काम है ये। अच्छा किया, अपने पड़ोसियों की मदद करना तो अच्छी बात है। पर डैडी, वो हमेशा हमें बुला लेते हैं, कभी कभी तो बहुत थकान हो जाती है।
शीला, तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? अब तुम्हें क्या बताऊं? मैं बाजार जा रही थी और हमारे 6 पड़ोसियों ने मुझसे कहा कि मैं उनका सामान भी खरीद लाऊं। मैंने सब खरीदा, यहाँ तक लेकर आई और फिर वो सब देने उनके घर तक गई। ओह, ये तो ज्यादा ही हो गया। हाँ, और बहुत थक गई हूँ मैं। हाँ मम्मा, हमारे पड़ोसी हमसे बहुत काम करवाते हैं। मम्मा, कितना अच्छा होता ना अगर हमारे कोई पड़ोसी ही नहीं होते। हाँ, शायद फिर हम चैन से जी पाते। ओह, अब मैं क्या करूं? अगर तुम दुखी हो तो मुझे भी बुरा लग रहा है। अब खुशकिस्मती से उसी वक्त वहां से एक परी गुजर रही थी। जब उसने उस परिवार को बात करते हुए सुना तो उसका ध्यान उस तरफ गया। वो खिड़की पर खड़ी होकर सब कुछ सुनने लगी। ये अच्छे लोग हैं, पर लगता है इन्हें कोई परेशानी है। चलो देखती हूँ, शायद मैं इनकी कुछ मदद कर सकूं। हेलो, मैं एक परी हूँ, मुझसे डरो मत। मैंने तुम्हारी बातें सुनी। तुमने कहा ना कि तुम अपने पड़ोसियों से दूर रहना चाहते हो। हाँ। देखा मैंने, तुम अपने पड़ोसियों से तंग आ चुके हो, तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? तुमने सोच लिया? जी मैम। तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? हमें एक ऐसा घर चाहिए जो लोगों से बहुत दूर हो। पर ये तो मुमकिन नहीं है मेरे दोस्तों, इस ग्रह पर लोग तो हर जगह हैं। तुम लोगों के बिना नहीं रह सकते। अच्छा, तो फिर तुम हमारे लिए ऊपर बादलों में घर बना दो। ऊपर बादलों में? सच में तुम्हारी यही इच्छा है? हाँ। ठीक है, मुझे अपनी सारी जादुई शक्तियाँ इस्तेमाल करनी होगी, पर ये हो सकता है। ऐसा करना मेरे लिए भी मजेदार काम होगा। मैं कल फिर तुम्हारे घर आऊंगी, तैयार रहना। हाँ हाँ, पक्का, हम अपना सामान तैयार रखेंगे। अरे पागल, तुम्हें कुछ ले जाने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे लिए जादुई घर बनाऊंगी जो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। साथ ही बादल इतने सारे सामान का बोझ नहीं उठा पाएंगे। हाँ, अच्छा तो ठीक है। हाँ, हमें भी लोगों से छुटकारा मिल जाएगा। हम खूब मस्ती करेंगे ऊपर बादलों में। अगले दिन पूरा परिवार बहुत उत्सुक था और तैयार भी। उन्होंने अपने पड़ोसियों से कहा कि वो छुट्टियां मनाने जा रहे हैं और तभी परी आ गई। घबराओ मत, मैं हूँ। तुम तैयार हो? हाँ। बस देखते जाओ, अंदर आ जाओ, ये तुम्हें तुम्हारे बादल वाले घर तक ले जाएगा। वाह, कितना प्यारा घर है। मुझे यकीन है कि तुम यहाँ खुश रहोगे। मम्मा, डैडी, देखो नीचे धरती पर घर माचिस जैसे दिख रहे हैं। ये सब कितना अच्छा लग रहा है, मुझे बैठना है। ये सब अब तुम्हारा है, जाओ घर के अंदर और तुम्हें अंदर सब मिलेगा,
जो भी तुम्हें चाहिए। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो दो बार ताली बजाना और वो चीज सामने आ जाएगी। अगर मुझे बुलाना चाहते हो तो तीन बार ताली बजाना। शुक्रिया। वाह, ये घर कितना सुंदर है। मम्मा, मुझे भूख लगी है। हाँ तो जाओ ना, परी के जादू का कमाल देखो। ओके, मुझे पिज्जा चाहिए। वाह, सच में यहाँ तो पिज्जा आ गया। अब मैं कोशिश करती हूँ। हाँ हाँ करो। मुझे एक नई ड्रेस चाहिए। वाह, ये तो बहुत मजेदार है। हमारी जिंदगी का ये सबसे अच्छा वक्त है। और इस तरह उस परिवार ने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त बिताया। घर बहुत ही शांत और सुंदर था और हमेशा साफ रहता। उन्हें जो चाहिए होता वो झट से आ जाता। और उन्होंने तब तक जादू से चीजें मंगवाई जब तक उनकी सारी इच्छाएं पूरी ना हो गईं। पर एक हफ्ते के बाद वो बोर होने लगे। डैडी, हमें जो चाहिए था वो सब हमारे पास है, अब मंगवाने को कुछ बचा ही नहीं। हाँ बेटा, पर अब हम क्या करें? खैर, तुम यहाँ बादलों में क्या कर सकती हो? खिड़की के पास बैठ सकती हो, तुम प्लेन्स और पंछियों को देख सकती हो। यही तो कर रहे हैं हम कब से। अब तो मैं भी यहाँ बोर हो गई हूँ। शायद हमें कुछ देर के लिए नीचे अपने घर जाकर देख आना चाहिए कि सब ठीक तो है ना? शीला, तुम्हें पता है ना, हम ऐसा नहीं कर सकते। परी क्या सोचेगी? पर डैडी, हम बहुत बोर हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो चलो परी को बुलाते हैं, देखते हैं वो क्या कहती है। कैसे हो तुम सभी मेरे प्यारे दोस्तों? बादलों पर यहाँ तुम्हें कैसा लग रहा है? ये घर बहुत सुंदर है परी, और हमारे पास अब सब कुछ है। पर क्या? मैं मिसेज रमानी के डॉगी को मिस कर रहा हूँ। मैं फिर से उसके साथ खेलना चाहता हूँ। और मैं मिस्टर दुबे को जो कहानियाँ सुनाती थी, मुझे वो याद आ रही हैं। और आंटी जो कुकीज बनाती थी, वो भी। सच कहूँ तो मैं भी अपने पड़ोसियों के लिए सामान खरीद कर लाना चाहती हूँ, और फिर उनके घर जाकर बातें करने में जो मजा है वो यहाँ नहीं। अच्छा, तो ये बात है, अब तुम अपने पड़ोसियों के पास जाना चाहते हो? हाँ, हमें वापस जाना है। हमें अपने दोस्त चाहिए, यहाँ कोई भी नहीं है। पर एक बात तुम जान लो, जैसे ही तुम धरती पर वापस जाओगे ये घर गायब हो जाएगा। तुम यहाँ वापस नहीं आ सकते। हमने सोच लिया है। क्या? हम धरती पर वापस जाएंगे, अपने पुराने घर में, और अपने दोस्तों और पड़ोसियों के पास। पक्का? हाँ पक्का। मेरे परिवार को अब समझ में आ गया है कि कोई भी अकेला नहीं रह सकता, फिर चाहे बादलों पर ही घर क्यों ना हो। तो ये परिवार वापस धरती पर आ गया। उनके पास बादल वाले घर की बहुत सी अच्छी यादें थीं, पर वो उन्हें याद नहीं आता था, क्योंकि अब वो एक बार फिर से अपने दोस्तों के बीच थे। और अब उन्हें पता चल गया था कि खुश रहने के लिए पड़ोसियों का होना कितना जरूरी है।